press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिसमें हम प्रायिकता के जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए उनको करेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं लीप वर्ष और लीप वर्ष का, तो नॉन लीप ईयर और लीप ईयर का। तो देखो नॉन लीप ईयर के अंदर 360 डेज होते हैं, लीप के अंदर 6 होते हैं। तो नॉन लीप ईयर के अंदर जो फरवरी होती है वो 28 होती है, लीप के अंदर है वो 30 दिन की होती है। तो यहां पर 52 वीक्स कंप्लीट बने और एक वीक के अंदर है वो 7 होते हैं, टोटल डेज हो गए वो 34 हो गए। अब जो रिमेनिंग डेज बच गया है जिससे कंप्लीट नहीं आया तो वो रिमेन हो गया 1। अब इस 1 डे की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, देखो इस एक दिन के लिए क्या संभावना हो सकती है उसके लिए अपन इसको कैसे ज्ञात करेंगे। अब मान लो जो 30 दिसंबर है वो पूरे सप्ताह का लास्ट दिन है, तो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो 31 दिसंबर होगा। तो सपोज करो 30 दिसंबर रविवार था तो 31 दिसंबर होगा वो सोमवार हो सकता है, अगर 30 दिसंबर सोमवार है तो 31 दिसंबर मंगलवार हो सकता है, अगर 30 दिसंबर मंगलवार है तो 31 दिसंबर बुधवार हो सकता है। तो इस एक दिन की क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, क्या संभावना बनेगी, तो वो सोमवार हो सकता है, वो मंगलवार हो सकता है, वो बुधवार हो सकता है, वो गुरुवार हो सकता है, वो शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। तो टोटल कितनी संभावना बनेगी, ये 7 बनेगी। जो पॉसिबिलिटीज ओ 1 एक्स्ट्रा डे है उसकी कितनी संभावना बनेगी, 7 बनेगी। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहेगा कि जो 52 मंडे का या 53 मंडे का कहेगा कि कंटेन 52 मंडे या कंटेन 53 मंडे या डे का पूछा है तो इसे का भी दे सकता है 7 डे, उनमें से भी आपको कैसे 52 रहने की प्रक्रिया हो, रविवार आने की प्रक्रिया करो तो कोई संविधान का 53 के लिए। तो आपको जब 52 जैसे उस लिया मंडा उसने कहा कि कंटेन 52 मंडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंटेन 52 मंडे, 52 सोमवार प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो उस साल में 52 सोमवार आए उसके लिए देखो अपवन में तो टोटल आउटकम कुल परिणाम कितने हैं, यहाँ पे अपनी जो संभावना बनी है कुल वो कितनी बन गई है, 7 है। अब न्यूमिनेटर के अंदर अंश के अंदर अपने पास आएंगे फेवरेबल रिजल्ट, तो 52 सोमवार लेकर आने आपको, तो 52 सप्ताह के अंदर 52 सोमवार आ चुके हैं। अब जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है वो सोमवार नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने को जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो 52 मंडे के लिए है। तो इस एक जो दिन है वो अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, सोमवार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो अपन ने टोटल पॉसिबिलिटीज लिखी है उसमें से वो फेवरेबल रिजल्ट होंगे जो सोमवार नहीं है, तो इसमें से फेवरेबल रिजल्ट ये हो गए भी वो 31 दिसंबर है वो मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार या रविवार हो, तो उस साल के अंदर जो सब 52 सोमवार ही रहेंगे। तो ये टोटल कितने हो गए, फेवरेबल रिजल्ट हो गए हैं 6, तो आ गया आंसर 52 मंडे का 6/7। अब इस तरह से वो कहे कि कंटेन 53 मंडे, तो 53 मंडे उस साल में 53 सोमवार आने की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अपॉन में तो टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है। अब न्यूमिनेटर के अंदर फेवरेबल रिजल्ट जो है वो कितने आएंगे, देखो 53 सोमवार लेकर आने आपको, तो 52 सप्ताह में तो 52 सोमवार हो ही गए। अब जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है उसको भी क्या होना पड़ेगा, सोमवार होना पड़ेगा। तो उस एक दिन को जो एक एक्स्ट्रा डे होगा वो सोमवार होगा, यानी 30 दिसंबर वाला अगर रविवार है तो 31 दिसंबर होगा सोमवार। तो ये कंडीशन होगी तब आपके पास उस साल में कितने सोमवार आएंगे, 53 आएंगे। तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन है मंडे वाली फर्स्ट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/7। तो वार आपको यहाँ पे कोई भी दे, चाहे सोमवार दे मंगलवार दे बुधवार दे, आंसर इसका फिक्स रहेगा 52 सोमवार के लिए या 52 मंगलवार के लिए या 52 बुधवार के लिए 6/7 रहेगा और 53 के लिए रहेगा 1/7। अब इसी तरह से लीप वर्ष के अंदर
जो एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो दो बचेंगे। अब यहाँ जो दो एक्स्ट्रा दिन बचे हैं उसकी क्या संभावना हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो यहाँ पे जो दो दिन बचेंगे वो कौन से होंगे? 30 दिसंबर और 31 दिसंबर वाला होगा, क्योंकि लास्ट के दो दिन बच रहे हैं। तो 52वें सप्ताह का लास्ट दिन होगा वो 29 दिसंबर होगा, तब दो दिन जो बचेंगे वो 30 और 31 वाला बचेगा। अब सपोज करो कि जो 52वें सप्ताह का लास्ट दिन था वो आपके पास रविवार था, तो 30 और 31 तारीख को क्या हो सकता है? सोमवार मंगलवार हो सकता है। इसी तरह से 52वें सप्ताह का लास्ट दिन अगर सोमवार होता है तो वो मंगलवार और बुधवार हो सकता है। तो यहाँ पे दो दो दिन के आपको पेयर बनाने हैं, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? वो दो दिन सोमवार और मंगलवार हो सकता है, वो मंगलवार और बुधवार हो सकता है, वो बुधवार और गुरुवार हो सकता है, वो गुरुवार और शुक्रवार हो सकता है, वो शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, वो शनिवार और रविवार हो सकता है, और लास्ट सातवीं वो रविवार और सोमवार हो सकता है। अब आप भी सोमवार और मंगलवार लेकर आएंगे तो वही कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे ये दो दो दिन के पेयर बनेंगे और इसमें एक एक दिन को आपको लिखना है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में इसी तरह कंटेन 52 का पूछेगा और कंटेन 53। अब इसका जैसे इसने लिख दिया कि संडे भी उस साल में 52 रविवार आने चाहिए और 53 रविवार आने चाहिए। तो यहां पर जो टोटल आउटकम है वो तो कितने हैं? अपॉन में तो दोनों में कितने आएंगे? 7 आएंगे। अब अंश के अंदर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही आपको 52 रविवार लेकर आने अब की बात। तो ये जो टोटल 7 कंडीशन है इसमें से आपको वो नहीं लेना है जिसमें रविवार है, क्योंकि आपको रविवार 52 लेने हैं। तो जो दो दिन है वो रविवार नहीं होने चाहिए, तभी आपके पास 52 रविवार आएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह में तो 52 रविवार आ चुके हैं। तो वो जो दो दिन होंगे उनमें रविवार नहीं होना चाहिए। तो रविवार नहीं है वाले कौन से हैं? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है। छठे और सातवें में रविवार है, तो ये दोनों अपन छोड़ देंगे। तो जो आपके पास फेवरेबल रिजल्ट है वो कितने हो गए? यहाँ पे 5/7 हो गए हैं और 53 रविवार, ये 53 संडे के लिए। देखो अगर ये दो कंडीशन आ जाए तो आपके पास रविवार है वो 53 हो जाएंगे। तो ये 6 और 7 दो कंडीशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/7। तो यहाँ पे बार कोई सा भी दे आंसर फिक्स रहेगा 5/7, 2/7, और यहाँ पे 52 के लिए 6/7 और 1/7 दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं कार्ड्स वाला, ताश के पत्ते वाला। तो देखो कुल जो पत्ते होते हैं ताश के वो होते हैं 52 होते हैं, जिनमें से क्लब यानी चीड़ी के भी 13, हुक्म के भी 13, डायमंड ईंट के भी 13, हर्ट पान के भी 13 पत्ते होते हैं। अब जो क्लब और स्पेड, चीड़ी और हुक्म के जो पत्ते होते हैं ये दोनों ही पत्ते काले रंग के होते हैं, और जो डायमंड और हर्ट के जो होते हैं वो दोनों ही रेड कलर के पत्ते होते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर ओनली उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड ऑफ के आगे उसने ओनली कहा है क्लब स्पेड डायमंड हर्ट हिंदी मीडियम के लिए, कि चिड़ी का पत्ता, हुक्म का पत्ता, ईंट का पत्ता या पान का पत्ता, सिर्फ ये एक ही नाम आए, तो इसके लिए प्रायिकता का आपको कैसे मान निकालना है? देखो अपॉन में तो कुल परिणाम आएंगे, टोटल रिजल्ट आएंगे 52। अब अंश में कितने आएंगे न्यूमरेटर के अंदर? देखो ओनली चीड़ी, हुक्म, ईंट या पान का नाम दे रहा है, उसके साथ और कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, तो आंसर आएगा इसका 13/52। तो आपको हेडिंग से पूरा लिखना है कि जैसे उसने पूछा चीड़ी का पत्ता निकालने की प्रायिकता, निकाला गया पत्ता हुक्म का होने की प्रायिकता, या निकाला गया पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तब आपको आंसर लिखना है 13/52। तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये 1/4 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इन चारों को जो आंसर है वो 1/4 आएगा। तो 4 क्वेश्चन ये बना सकते हो। उसके बाद में उसने ये कहा कि आपको काले रंग का पत्ता निकालना है, आपको लाल रंग का पत्ता निकालना है, उसके साथ और कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, सिर्फ बोलेगा कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, कार्ड ऑफ रेड कलर, तब
कितने होते हैं दोनों ही 26 26 कार्ड होते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर वाले ये दोनों 13 और 13 26 और रेड कलर वाले ये दोनों 13 और 13 26। तो इन दोनों का जब आपको प्रायिकता का मान पूछे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 26/52, तो आंसर हो जाएगा 1/2। तो क्वेश्चन ऐसे देगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज ब्लैक कलर, गेटिंग कार्ड इज रेड कलर। हिंदी मीडियम के लिए निकाला गया पत्ता काले रंग के होने की प्रायिकता या निकाला गया पत्ता लाल रंग का होने की प्रायिकता, उसके साथ और कुछ भी ऐड नहीं होगा तब आंसर होगा उसका 26/52, 1/2। तो दो क्वेश्चन ये बनाया, चार ये, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन ये बन सकते हैं इसके। अब अपन बात करते हैं गुलाम बेगम बादशाह और जो इक्का होता है, तो जो जैक होता है, जैक जो गुलाम वो 4, क्वीन जो बेगम है वो भी 4, किंग जो होते हैं वो 4, और एस इक्का होता है वो भी 4 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो इस जैक को जैसे रिप्रेजेंट किया होता है, क्वीन को क्यू से, किंग को के से और एस को ए से। तो आपको जब ये चारों क्वेश्चन देगा तो ऐसे कहेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कार्ड इज जैक, गेटिंग कार्ड इज क्वीन, गेटिंग कार्ड इज किंग, गेटिंग कार्ड इज एस। हिंदी मीडियम के लिए गुलाम का पत्ता, बेगम का पत्ता, बादशाह का पत्ता और इक्का। तो आपको यहाँ पे ये जो फेवरेबल रिजल्ट है ये कितने हैं, 4 है। तो अपॉन में तो इसमें सभी में 52 ही आएगा कार्ड वाले के अंदर, तो अंश के अंदर कितना जाएगा 4/52, तो ये आंसर आ जाएगा 1/13। 4 की टेबल से 52 कैंसिल हो जाएगा तो 1/13 आंसर आ जाएगा। तो इन चारों क्वेश्चनों का आंसर होगा 1/13। अब जो सप्लीमेंट्री 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, ये बुक में नहीं था लेकिन ये इस साल 19 सप्लीमेंट्री में आया था। तो देखो कुल तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, जो तस्वीर या जो फोटो होती है वो किन पे होती है, वो जैक पे, क्वीन पे और किंग, इन तीनों पे होती है। तो ये 4, 4 और 4 कितने पत्ते हो गए हैं, ये 12 पत्ते हो गए हैं कुल। अब अगर उसने प्रोबेबिलिटी पूछा कि तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता बताओ आप, फेस कार्ड की प्रायिकता बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, तब इसका आंसर कितना होगा 12/52। तो इसको ये 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो 3/13 आंसर आ जाएगा। और उसने जो क्वेश्चन दिया था कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, तब आपको रेड या ब्लैक दोनों में से कोई भी पूछे तो इनके 6 होते हैं, क्योंकि जो ये 4 पत्ते होते हैं इनमें 2 तो काले रंग के होते हैं और 2 ही होते हैं लाल रंग के। तो इन 4-4 में 2-2 जो पत्ते हैं वो ब्लैक और रेड कलर के होते हैं। तो आपको रेड कलर के जो फेस कार्ड है वो भी 6 होते हैं और ब्लैक कलर के जो भी फेस कार्ड है वो भी 6 होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर हो जाएगा 6/52। तो ये 2 की टेबल से कैंसिल होगा तो 3/26 आंसर आ जाएगा इसका। अब उसके अलावा जो क्वेश्चन बनाएगा वो ये बनाएगा, उसने कहा कि आपको रेड या ब्लैक कलर का कार्ड निकालना है, और वो भी जैक का कह सकता है या क्वीन का कह सकता है, किंग का कह सकता है या एस का कह सकता है, या तो वो रेड का पूछेगा। उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर जैक, या उसने कह दिया ब्लैक कलर क्वीन, ब्लैक कलर किंग या रेड कलर एस। तो रेड या ब्लैक कलर के साथ उसने इनका नाम दे दिया जैक, क्वीन, किंग या एस, तो वो कितने कार्ड होंगे। देखो टोटली 4 कार्ड होते हैं, तो इनमें 2 ब्लैक कलर होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं। तो रेड या ब्लैक के साथ उसने जैक, क्वीन, किंग या एस का नाम दे दिया, तब वो टोटल कार्ड कितने होंगे, वो 2 कार्ड होंगे और अपॉन में कितना है 52। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/26। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है वो, रेड या ब्लैक के साथ जैक, क्वीन, किंग या एस, यानी काले और लाल रंग का जो पत्ता है वो गुलाम का है, बेगम का है, बादशाह है या इक्का है, तब वो कितने होंगे, 2 ही पत्ते होंगे, तो 2/52 यानी 1/26। अब जो क्वेश्चन बनाएगा उसके बाद में वो कहेगा कि जैक, क्वीन, किंग या जो एस ऑफ किसके, वो या क्लब के हो सकते हैं, स्पेड के, डायमंड के या हार्ट के। यानी ये जो जैक, क्वीन, किंग, एस है, ये इनका रिलेशन क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट के साथ देगा। वो हिंदी मीडियम के लिए बोलेगा कि जो पान का गुलाम निकालने की प्रायिकता, ईंट की बेगम निकालने की प्रायिकता, चीड़ी का बादशाह निकालने की प्रायिकता, हुक्म का इक्का निकालने की प्रायिकता,
तो इस तरह से भी क्वेश्चन बोलेगा, तब आपको यहाँ पे देखना है कि कितने कार्ड होंगे। सबसे पहले तो फेवरेबल रिजल्ट, तो देखो जब इनके साथ ये गुलाम बेगम बादशाह और इक्का का नाम ऐड हो जाए इनके साथ, तो वो कितने पत्ते होते हैं? एक ही पत्ता होता है उसका। चीटी का जो गुलाम है वो एक ही होगा, हुक्म का बादशाह वो भी एक होगा, ईट का इक्का बोल दिया तो वो भी एक ही होगा। तो इसकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना आएगा? 1/52। तो इस तरह से प्रायिकता के जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो इन क्वेश्चनों में से वो एग्जाम के अंदर पूछेगा, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जिसने जितने प्रायिकता के क्वेश्चन बन रहे थे इस ताश के पत्तों के लिए दसवीं क्लास में, वो सब मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। बुक के अंदर आपको चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन चारों को तो अपन ने कर लिया है, तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन ने सारे कर लिए हैं ताश के पत्तों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 9 और 10, बाकी तो अपन ने सारे वो कर लिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा जो बचे हुए जो अपन ने अभी तक नहीं लिए हैं यहाँ पे वो करते हैं। आपको कहा है इफ पी इज इक्वल टू 0.65 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ए। तो पी ए का मान 0.65 दे रखा है, तो ए नहीं है कि प्रायिकता ज्ञात करनी आपको। तो आपको ये फॉर्मूला बताया था कि पी ए का वैल्यू भी जो घटना घटित हो उसके हैपन इवेंट है उसकी जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दे रखा है 0.65। तो पी ए बार जो नोट हैपन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 - PA। 1 में से PA आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 - PA का वैल्यू कितना है? 0.65। तो ये 1 में से 0.65 माइनस करेंगे तो ये 0.35 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू वो फ्रैक्शन में भी दे सकता है और या आपको डेसिमल में भी दे सकता है। तो 0.65 दे सकता है, 0.98 दे सकता है, 0.99 दे सकता है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर कोई भी इवेंट हैपन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ए, अगर नॉट हैपन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो पी ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको पी ए बार फाइंड आउट करना है, तो 1 - PA, तो 0.35 इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो रेड बॉल है वो आपके पास 5 है, व्हाइट बॉल दे रखा है 3। तो वो कह रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम, तो एक बॉल उसमें से याद रखे आपको चयन करना है। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, आपको लाल रंग ये स्पेद बॉल की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और दूसरा दे रखा है नॉट व्हाइट, यानी वो बॉल स्पेद नहीं है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको इसके लिए टोटल रिजल्ट ध्यान होने चाहिए, जो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5 + 3 8 हो गई है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल, तो फेवरेबल रिजल्ट देखो आपके पास व्हाइट बॉल कितनी है, 3 है। तो जो आप व्हाइट बॉल निकालोगे वो इन 3 में से निकलेगी, तो इसके लिए फेवरेबल रिजल्ट हो गया 3, तो अपॉन में टोटल कितना हो गया 8। तो व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आ गई है वो आ गया 3/8। अब इसने कहा नॉट व्हाइट, तो व्हाइट बॉल को अपने PW से रिप्रेजेंट किया। अब कई इसको ऐसे डायरेक्ट भी करते हैं, उसने कहा नॉट व्हाइट, तो जब वो बॉल व्हाइट नहीं है तो वो कौन सी होगी? फिर रेड होगी। तो रेड का आंसर लिख देते हैं 5/8, टोटल कितना है 8 है, तो वो भी सही माना जाता है। लेकिन आपको इस फॉर्मूले से करना है, जब उसने कहा है कि नॉट व्हाइट तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, यानी आपको PW का बार फाइंड आउट करना है। नॉट व्हाइट बोले तो PW का बार, तो ये क्या फॉर्मूला होता है? 1 - यहाँ कौन सा लग जाएगा? PW लग जाएगा, यहाँ ए था तो यहाँ ए बार हो गया था। तो 1 - PW का वैल्यू कितना है? 3/8। अब ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 - 3 होगा 5/8, आंसर तो वही आएगा, लेकिन इसको आपको इसे फॉर्मूले से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा जो फॉल्टी पेन्स है वो है आपके पास 12 और जो गुड पेन्स है वो है 132, खराब पेन 12 है और अच्छे पेन है वो 132 है। ये क्वेश्चन आ सकता है गोल्ड में 3 नंबर का। तो इसमें क्या है, 1 पेन इज ड्रॉन रैंडम, तो आपको एक पेन उसमें से याद रखे निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेन इज गुड, वह पेन अच्छा हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो टोटल कितने पेन हो गए हैं, टोटल हो गए 12 + 132, तो कितना हो गया 144 हो गया है। तो टोटल जो आउटकम है वन आ जाएगा 144 आ गया। अब जब आपको पूछे कि गुड पेन की प्रोबेबिलिटी, तो गुड पेन कितने हैं आपके पास 132, और जब उसने पूछा फॉल्टी पेन का खराब पेन की प्रायिकता तो कितने हैं, 12 है, तो 12/144 ये कैंसिल होगा, तो 12 से कैंसिल करोगे तो इसका आंसर 1/12 आ जाएगा, और ये दोनों कैंसिल होंगे तो ये 11 टाइम्स होता है और ये 12 टाइम्स, तो आगे आंसर 11/12।
तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब ये दो क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज का है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पिछली बार आया हुआ था, तो ये नया क्वेश्चन है। तो 12 टिक मार्क 1 to 12, आपके पास 12 टिक है जिनपे 1 से लेकर 12 तक की संख्या अंकित है। अब उसमें से आपको एक टिक सिलेक्ट करना है रेंडमली, तो उस पे जो अंकित अंक है वो होना चाहिए मल्टीपल 2 और 3, यानी 2 या 3 का वो गुणज होना चाहिए, या वो कह सकता है डिविजिबल बाई 2 और 3, या वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जब 2 और 3 का मल्टीपल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों ही लेने होंगे आपको, 2 और 3 दोनों का ही आपको जो फेवरेबल रिजल्ट बनाओगे वो डिजिट 1 से 12 तक के नंबर में सिलेक्ट करोगे, तो वो 2 से भी डिविजिबल हो अथवा 3 से हो, दोनों में से किसी एक से है तो वो आपका फेवरेबल रिजल्ट में लेना है। अगर ओनली 2 आ जाए तब आपको 2 से करना है, 3 आ जाए तब 3 से करना है, ये और लगा के आ रहा है तब 2 और 3 दोनों में किसी से भी हो वो लेना है। और अगर एंड में आ जाए 2 एंड 3 तब आपको वही डिजिट लेना है जो 2 और 3 दोनों से ही विभाजित हो। तो यहाँ पर 2 और 3 बोला है तो ये अथवा में है, वो डिजिट 2 से मल्टीपल हो चाहे वो 3 का मल्टीपल हो। तो यहाँ पे आपको लिखोगे कि जो टोटल टिकट है, टोटल जो टिकट है वो कितनी है, 12 है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल रिजल्ट है, जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कितने हैं, उसने कहा है कि मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो 2 और 3 के मल्टीपल देखो जो 12 है वो कौन कौन से हैं, 1 से लेकर के 12 तक के नंबर है। तो 1 से 12 तक के नंबर में आप उनको लिख भी सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो इन 12 में से आपको वो सिलेक्ट करने हैं जो कि 2 और 3 का मल्टीपल है। तो ये 2 है, ये तो 2 का मल्टीपल हो गया, ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 6 है वो 2 और 3 दोनों का हो गया, ये 8 2 का मल्टीपल हो गया, 9 हो गया वो 3 का हो गया, 10 2 का मल्टीपल हो गया, और ये 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो गया। तो आपके पास जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कितने आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितना आ गया ये 8। तो जो रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई है, फेवरेबल 8 अपॉन टोटल कितने हैं 12, तो आ गया 4 की टेबल से कैंसिल होगा, तो 4 की टेबल से 2 टाइम्स और ये हो गया 3 टाइम्स। अब अगर ओनली वो कह दे कि मल्टीपल ऑफ 2, तब आपको सिर्फ 2 से मल्टीपल लेना है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, तो ये 6 हो जाएंगे। यहाँ पर वो कह सकता है इवन भी कह सकता है, ओड नंबर भी कह सकता है, तो इस तरह से वो क्वेश्चन चेंज करके भी बना सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि मल्टीपल 2 और 3, तो आपको वो ओनली 2 का भी मल्टीपल पूछ सकता है, ओनली 3 का भी पूछ सकता है। तो 3 का पूछेगा तो 3, 6, 9 और 12 हो जाएंगे, और 2 का पूछेगा तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो जाएंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन आया था वहां पे पिछले साल बोर्ड में आया था ये, तो क्वेश्चन में 1 to 17 की जगह वो 1 to 20 दिया हुआ था। तो यहाँ डिजिट है वो 1 to 17 हो सकता है, 1 to 30 हो सकता है। तो पहले की जो बुक होती थी उसमें 1 to 30 तक के डिजिट होते थे, तो यहाँ पर आपको 1 to 17 दिया हुआ है। तो 1 से लेकर के जो 17 तक के जो प्राकृत संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, उनमें से आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है जो कि प्राइम नंबर हो, यानी अभाज्य संख्या हो। तो यहाँ अभाज्य का पूछ सकता है, सम का पूछ सकता है, विषम का पूछ सकता है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और डिविजिबल भी पूछ सकता है। तो 2019 में ये पूछा था कि वो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे कि 1 to 17 जो टोटल आउटकम है वो कितने हो गए, 17 हो गए, 1 से लेकर 17 तक का नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, ये टोटल आउटकम हो गए हैं अपने पास 17। अब इसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इज प्राइम, कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास जो फेवरेबल रिजल्ट है, फेवरेबल रिजल्ट कितने हैं, तो फेवरेबल रिजल्ट जब प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो प्राइम नंबर वो होता है जो खुद की टेबल से डिविजिबल हो और 1 से ग्रेटर देन होता है, तो 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11,
13 और 17, ये इतने क्या है प्राइम नंबर है, तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7 अपॉन टोटल कितना है 17, तो आंसर हो गया 7 अपॉन 17। अब अगर क्वेश्चन में कहे कि इवन नंबर, तो 1, 2, 17 में आप इवन नंबर देखोगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी ये 8 क्या हो जाएंगे जो इवन नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से वो पूछ सकता है ग्रेटर देन 3, लेस देन 7, या वो पूछ सकता है मल्टीपल ऑफ 2 और 3, मल्टीपल ऑफ 5, या पूछ सकता है डिविजिबल ऑफ 5, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 9, तो इस तरह से वो कोई भी टेबल के अकॉर्डिंग वो मल्टीपल भी पूछ सकता है या डिविजिबल भी पूछ सकता है। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख, तो प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज है वो हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब नई एक्सरसाइज जो शुरू करेंगे वो करेंगे 17 एक्सरसाइज है, वो 6 नंबर की आती है। तो उन 6 नंबर में माध्य, माध्यक और बहुलक है, मीन, मीडियन और मोड, इनमें से आपको कोई भी दो करने होते हैं। पेपर के अंदर 3+3 में आता है, तो अच्छा क्वेश्चन है वहां से, तो अपन उस पे आज प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके बाद अपन एक्सरसाइज लेंगे ग्राफ वाली जो कि 6 नंबर की आती है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो के अंदर आपको जो भी क्लास के अंदर कंटेंट अवेलेबल कराए वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।